आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड वरिष्ठ नागरिकों के उत्तरदायित्व एवं अधिकार। वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं? हम वेदों में जाएं तो वेदों में जो लोग वृद्ध होते हैं, उम्र प्राप्त लोगों को वृद्ध कहा जाता है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, त्रिपिटक और हमारे आगम जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वृद्ध जनों को वरिष्ठ नागरिक कहा गया है। और वर्तमान में जो हमारी सरकार ने कही है, समाज ने कही है, जो परिभाषा वरिष्ठ नागरिक की बताई है वह है 60+। राजकीय नौकरी होती है वो 60 ईयर्स में रिटायरमेंट कर देती है। इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्ति की जो बॉडी है वो 60 ईयर्स तक पूरा एफिशिएंसी से काम करती है, उसके बाद में एफिशिएंसी गिर जाती है तो उसको वरिष्ठ नागरिक कह करके उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति का जो है, अगर मान लो शारीरिक रूप से कमजोरी आ सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति चिंतनशील है तो मनोबल उसका मजबूत होता है, आत्मबल उसका मजबूत होता है। तो वास्तविक शक्ति तो आत्मबल से आती है, फिर मनोबल से आती है, शरीर बल तो तीसरा नंबर का स्थान है। मान लिया कि उम्र आ जाती है तो हमारे जितने भी ये सिस्टम काम करते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है और पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और हमारा विसर्जन तंत्र है, और जितनी भी धमनियां हैं, नाड़ियां हैं, कमजोरी अवस्था के साथ में आना संभव है, क्योंकि ये शरीर भी एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है। मशीन घिसते घिसते वो डेफिशिट हो जाती है और उसकी मेंटेनेंस भी होती है, लेकिन डेफिशिएंसी आने के बाद में उसकी एफिशिएंसी के अंदर जो कमी आ जाती है तो व्यक्ति जो है वह उम्र प्राप्त हो जाता है, वह उतना फास्ट काम नहीं कर सकता जितना कि वह युवा अवस्था में करता है, 45-50 वर्ष प्रौढ़ अवस्था में करता है। इसीलिए एक कहावत भी बनी है कि 60 बुद्ध नाठे, यानी 60 साल की उम्र होने के बाद के अंदर उसकी बुद्धि के अंदर फर्क आ जाता है, बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है। वास्तव में ये हरेक पे लागू नहीं होती है, ये एक तरीके से कहावत बनाई गई है। तो हमें वरिष्ठ नागरिक होने के बाद भी समाज के लिए उपयोगी बने रहना चाहिए। बहुत से लोग जो है सरकारी नौकरी से कहिए या उनके बच्चे काम धंधा सीख लेते हैं, पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपने पिताजी को फ्री कर देते हैं तो वह अपने आप को रिटायर समझने लगता है। ये अपने आप को रिटायर समझना ये बहुत बड़ी भूल है। व्यक्ति को जीवन की लास्ट ब्रीथ, जीवन के एंड तक भी कभी रिटायर नहीं समझना चाहिए। अपने आप को इस समाज का, इस परिवार का एक उपयोगी अंग समझ करके उसको कार्य करना चाहिए। तो हम वरिष्ठ नागरिकों के दायित्व और अधिकारों की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक के सबसे पहले दायित्व की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारा दायित्व सही, अगर हमको राइट्स एंड जो है हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी में से अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो
तो राइट तो ऑटोमेटिकली मिलता है। जो लोग जुम्मेवारी लेते हैं उनको अधिकार अपने आप मिलते हैं, और केवल अधिकार मांगते हैं इसका मतलब जुम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं। मात्र अधिकार प्राप्त करके वह अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और कई बार जो है वह गलत अनैतिक कार्यों के लिए भी अधिकार मांगते हैं। तो हमें कभी भी अधिकार मांगना नहीं चाहिए, अधिकार की जगह जिम्मेवारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अधिकार आपके चरणों में आएगा। तो वरिष्ठ नागरिक का जो है उत्तरदायित्व तो क्या है, देखिए सबसे पहले मैं घर में बात करूं कि व्यक्ति रिटायर होकर के अपने घर में आ गया, तो घर में आने के बाद के अंदर वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना होता है। आपने कभी देखा कि ये वरिष्ठ नागरिक के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आजकल तो सफ़ेद बाल जो है वह 40-30 साल की अवस्था में भी हो जाते हैं, 50 साल तो आते आते बिल्कुल जो है वह सिर सफ़ेद हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर जो हमारा खान पान या इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो 60 साल यानी अवस्था प्राप्त के पहले सफ़ेद बाल नहीं आते थे। इसीलिए पुराने ज़माने की कहावत है कि सफ़ेद बाल आ गया इसका मतलब आपको चेतावनी है कि अब आप वरिष्ठ बने हो, तो वरिष्ठ का उत्तरदायित्व तो लो। वरिष्ठ का उत्तरदायित्व तो क्या है कि आप घर में बैठे हो तो आपके जो है बेटे हैं पोते हैं उनको सही सलाह देना, उनको सही रास्ता बताना, क्योंकि रास्ता तो आपको पता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो और आपका कोई पोता आपसे ये राय मांगे कि दादाजी मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, तो आप उसको सबसे पहले पूछो कि तूने 10वीं पास कर दी है, अब तू जीवन की पहली पांवदान पर शिक्षा की दृष्टि से पैर रख रहा है, तो मुझे ये बता कि तेरी रुचि किस चीज़ में है। अच्छी तरह से भीतर को टटोल करके आत्मसाक्षी से अपने मनोबल के आधार पे अपने शरीर को तोल करके और बिना किसी दबाव के गहरा एक या दो दिन चिंतन करके बताओ कि तुम्हारी इच्छा इंजीनियर बनने में है, डॉक्टर बनने में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में है, MBA बन करके कार्य करने में है, CA बन करके ऑफिस चलाने में है, पुलिस में जाने में है, जज बनने में है, या तेरी रुचि किस बात में है। जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है ना 4-5 साल का, तब हम उसको पूछते हैं कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे कहते हैं मैं तो पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं तो जज बनूंगा, कोई कहता है मैं तो डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। इसका अर्थ ये है कि उसके भीतर में कुछ रुचि है वह बोल रही है। अगर आपका पोता कह देता है कि मुझे तो इंजीनियरिंग के काम करने में बहुत रुचि लगती है, तो आप तुरंत उसको साइंस मैथमेटिक्स दिला करके और उसकी कोचिंग वगैरह स्टार्ट करके उसको जो है 12th पास करे उसके पहले पहले, आजकल JEE पहले मेंस होता है और फिर उसके बाद के अंदर एडवांस होता है, उसकी तैयारी में लगा दो, 11th से ही लगा दो। और आजकल लगाते हैं ताकि वो 12th की पढ़ाई करते करते जो है वह जो है जी मेंस की तैयारी के अंदर और जी एडवांस की तैयारी में लग जावे। उसका लक्ष्य बन गया अगर इंजीनियर बनने का, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो निश्चित तौर पे आपका अच्छी नेशनल मेरिट ला करके IIT के अंदर भर्ती होकर के जो भी उसके रुचि की लाइन है, फर्दर उसकी रुचि केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स निक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सी ब्रांचेज हो गई। आज हमारे ज़माने में लिमिटेड 4 ही ब्रांच थी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, बहुत वर्षों तक चलती रही। ये 1990 तक चलती रही, उसके बाद में ज्यों ज्यों विज्ञान एडवांस हुआ और नई शाखाएं खुली, तो अब तो इंजीनियरिंग की सैकड़ों सैकड़ों शाखाएं हो गई है। तो वह उसमें करके पारंगत होकर के फिर
जब उसने IIT कर लिया तब फिर वो आपसे पूछे दादाजी अब क्या काम करूं मैं, तब उसको कहना कि तेरा इंटरेस्ट जो है मल्टीनेशनल कंपनी में 12 घंटे कम से कम काम करने की रुचि है, या तेरा जहाँ पे रह रहा है वहीं पे कंप्यूटर की बड़ी दुकान लगा के सॉफ्टवेयर बनाना, या जो जो तेरा वर्क तूने किया है तुम यहाँ बैठ के सप्लाई करना या ट्रेडिंग करना या जैसे भी करना वो कंप्यूटर का, तो वो अपने आप बता देता है। उसको उस लाइन के अंदर डाल दीजिए, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, रिलायंस वाले कैसे बढ़े, माइक्रोसॉफ्ट कैसे बना, यूट्यूब कैसे बनी, फेसबुक कैसे बनी, ठीक इसी तरीके से बनी। तो आपका बच्चा भी आपके गाइडेंस में सीखता सीखता करता रहेगा। अब देखिए वरिष्ठ नागरिक का और दायित्व तो बताता हूँ कि घर के अंदर आपके पास में फ्री टाइम है तो आपके बेटे की बहुएं हैं तो आप थोड़ा समय जो है उनके सहयोग के लिए निकालिए। आप सब्जी मंडी चले जाइए, लिस्ट लेके चले जाइए, सब्जियां ले आइए, फ्रूट लेके आ जाइए, और उनसे जो पारिवारिक कामों की जो चीज़ है वह आप लिस्ट लेकर के मार्केट चले जाइए, लेकर के आ जाइए। होता बीमार पड़ गया, बेटे को टाइम नहीं है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आ जाइए, दवाई लेकर के आ जाइए। और आप पढ़े लिखे होशियार हो तो थोड़ा अगर बच्चा छोटा है उसको ट्यूशन करा दीजिए, 5वीं 7वीं 10वीं चल रहा है तो आप ट्यूटर क्यों लगाओ, आप खुद ही जो है अपने पोते को पढ़ाओ। तो आपका क्या होगा कि आपका उसके साथ में एक सहानुभूति बनेगी, घर के अंदर एक वातावरण बनेगा कि देखो दादाजी कितने उपयोगी है कि घर का काम भी कर लेते हैं, पोते को पढ़ा भी लेते हैं, और ब्याह शादी की बात करें तो वो इधर उधर बात करके किसी की रिश्ता किसके क्या लड़की है उसके बायोडाटा मंगाना करना ये कार्य भी करने जाते हैं। उसके साथ साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप शिक्षा जगत के हो, आप निस्वार्थ सेवा करो, आप वानप्रस्थी बन जाओ। जैसे मैं शिक्षा क्षेत्र का व्यक्ति हूँ तो किसी कॉलेज में जाकर के जो मेरा विषय है उसको मैं फ्री पढ़ाऊँ, एक एक जो है घंटा दो पीरियड लूँ, फ्री पढ़ाऊँ उसको, मॉरल साइंस की बात बताऊँ, मोटिवेशनल बातें बताऊँ, तो उसके अंदर बच्चों में जागृति आएगी, संस्कार आएगा। और आप उनको बताओ थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो बच्चों को मालूम होगा कि जो है व्यक्ति को पॉजिटिव बनना चाहिए, क्योंकि आपने खूब अजमाया है, संस्कार लिए हैं, जीवन भर तक 30 साल तक काम करके आपने अच्छा बुरा सब देखा है, आप में जजमेंट करने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, तो आप निर्णय लेने के लिए उनको तैयार कीजिए। आप शिक्षा जगत के हो और बेटा आपसे कोई राय मांगता है कि मेरी कॉलेज चलती है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप आराम से उसको बता सकते हो कि तो यूनिवर्सिटी खोल, जो है ग्रुप ऑफ द कॉलेजेस इज कार्ड द यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे आप कॉलेजेस खोलो, कॉलेजेस इकट्ठे होकर के आप UGC से रिक्वायरमेंट ला करके जमीन की ये वगैरह इकट्ठे करके यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, आपने बेटे को ये दे सकते हो। और आप अगर बेटा मैन्युफैक्चरिंग में है आपकी और उस लाइन में है और आप भी इंजीनियर हो तो उसकी फैक्ट्री में जाकर के जैसे कैसे पावर की बचत की जानी चाहिए, कैसे रॉ मटेरियल को रखना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट को कैसे रखना और रेवेन्यू कैसे की, यानी जो जो कुछ आपका अनुभव है बच्चे के साथ शेयर कीजिए, और आप जो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कीजिए और आप धीरे धीरे उपयोगी बने रहेंगे। और लास्ट मोमेंट लास्ट बर्थ तक आप जो है उपयोगी बनते रहो, और आपको लगे कि अब शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम पकड़ लो। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन सत्य है वो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौम सत्य विश्व की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहता है। वो रियलिटी क्या है कि कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, कुदरत ही संपूर्ण जगत की मालिक है, संपूर्ण जगत की क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, और कुदरत है
84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है और सारे काम उसमें होते हैं। और देखिए वो जितना भी पंचभूत के पुतले होते हैं इसी कुदरत के अंदर विलीन होते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश में सब उसमें विलीन हो जाते हैं। तो ये हमारा सनातन सत्य है। और हम आपको सनातन सत्य से देना क्या चाहते हैं? हम देना चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख की नींव कैसे लगे। वो नींव लगाने के लिए हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको ज्ञाता दृष्टा बनाते हैं। बहुत सिंपल है कि जो आप लेके आए हो, जो टैप रिकॉर्ड आप भर के लेकर के आए हो, मन वचन का है कि बैटरी है, वह ऑटो मोड से खुल रही है, वो प्रारब्ध और उदय के अधीन है। इसको खुलते रहने दीजिए, इसमें टांग मत अड़ाइए, इसमें समय मत लगाइए, इसमें पंचायती मत करिए। आप तो यह चिंतन करते रहो केवल मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। और ये आपके दिमाग के अंदर ये मान्यता होनी चाहिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, जन्म से मृत्यु तक की मन वचन काया की जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना का है, ऑटो मोड से चलने वाली है। उसमें आप परवश हो, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। वो टेम्परेरी है, वह नाशवान है, हर संजोग के साथ जीव वियोग जुड़ा हुआ है। तो आप मात्र उसको जानते रहो, देखते रहो, यह भी चला जाएगा। कर्म भुगतने की दो धाराएं होती है। ये मैं वरिष्ठ नागरिकों को क्यों बताना चाहता हूँ, ये टेक्निक क्यों देना चाहता हूँ कि आपको जीवन भर जब तक लास्ट सांस होकर के डॉक्टर नहीं कह दे कि ये मुर्दा हो गया, तब तक अपना सबका काम, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपको पानी पीना, टॉयलेट जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टॉयलेट आपका पोता ले जावे, बेटा ले जावे। यह बात अलग है कि आपने ऑपरेशन करा दिया तो उसकी तो चीज़ अलग है। नॉर्मल वे के अंदर आप इतनी फिजिकल हेल्थ रखो कि अपना काम खुद करते रहो। हमारे राजस्थानी में कहा जाता है कि खुदरी चौटी खुद काटो, यानी खुद का जो काम इजी, आपको रोटी पकाने का नहीं कह रहे, कपड़े धोने का नहीं कह रहे, आपका खुद का काम क्या है कि आप बिस्तर से उठ जाओ, टॉयलेट करके आ जाओ, पानी पी करके आ जाओ, थोड़ा घर में इधर उधर टहल दो, और थोड़ा कर सकते हो बगीचे को पानी पिला दो, और थोड़ा कैसे टीवी स्टार्ट कर दो, और कोई आपकी पत्नी कहे कि कमरे में से कपड़ा ला के दे दो, ला के दे दिया, उसका हेल्प कर दो, यानी जो आप इजीली कर सकते हो। आपको हम ये नहीं कहते हैं कि आप 50 kg का भार उठा करके ले आओ, कोई नहीं कहेगा आपको, कोई पोता नहीं कहेगा, कोई पत्नी नहीं कहेगी, कोई बेटा नहीं, वो जानते हैं कि ये कैसे उठा के ला सकते हैं आज 70, 75, 80 साल की उम्र में। तो लेकिन हम वरिष्ठ नागरिकों को ये कहना चाहते हैं कि आपका उत्तरदायित्व ये है, आप लास्ट मोमेंट तक रिस्पॉन्सिबल बनते बने रहो तो आपके पास में सारे अधिकार रहेंगे। समाज के लोग आपको बुलाएंगे और आपसे वर्कशॉप कराएंगे, आपसे सेमिनार कराएंगे, आपसे वेबिनार कराएंगे, आपको अध्यक्ष बनाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे। क्यों? आपके अनुभव का लाभ लेना है। देखिए टीम तो बहुत बनती है, इंजन बनने वाले कहाँ हैं? एक इंजन 25 डब्बों को खींचता है, डब्बे तो बहुत है, इंजन कौन होता है? वो आपको इंजन बनना है। इंजन आपकी योग्यता आप में है कि आपने 60 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, 80 वर्ष तक जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चीज़ों की एप्लीकेशन आप नहीं करके पाए। 60 वर्ष तक आप सरकार की गुलामी करते रहे, आप धंधे के अंदर जो है लाभ हानि कमाते रहे, भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम, निनाण के चक्कर में लगे रहे। आपका सही जीवन तो अब चालू हुआ है। आप सही सोच सकते हो,
सही कर सकते हो, सही सीख सकते हो, सही सिखा सकते हो। आप मर्जी के मालिक हो। मर्जी आवे जब उठो, पहले आपको 8 बजे जब साइट पे जाना पड़ता था ड्यूटी पे, तो क्या आप 8 बजे उठ सकते थे? आप वरिष्ठ नागरिक हो, आपको कौन रोकने वाला? 8 बजे उठो, 9 बजे उठो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्वास्थ्य बिगाड़ करके और आप लेट उठो। आप जो है प्राकृतिक नियमों का पालन करो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। आप सब जानकार हो, अनुभवी हो, मुझे वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा बताने की बात नहीं, सब जानते हैं। मुझे तो उनको टिप्स देना है कि आप कभी भी नकारा मत बनो। आपको घर का कोई भी सदस्य ये नहीं कहवे दादाजी कोई काम के नहीं, बेटा कहवे कि पिताजी तो कोई काम के नहीं, पूछो तब गुस्सा करते हैं, झाड़ते हैं, झिड़कते हैं और अपनी गाथा बताते हैं, हमारे टाइम हम ऐसे करते थे, हमारे टाइम में हम ऐसे करते। अच्छी बात है, हर एक जनरेशन का अपना अपना समय होता है। वो जेनरेशन गैप दूसरी जेनरेशन पर मत थोपो। आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, 20 किलोमीटर साइकिल चलाता था। मैं आज मेरे पोते को कहूँ कि 20 किलोमीटर साइकिल चला, वह नहीं चलाएगा। मेरा कहना गलत है, मेरे पोते से मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे। मैं उसको कह सकता हूँ भाई आजकल साइकिल का चलाना ख़त्म हो गया है, तुम जिमनास्टिक करो। तुम कसरत करते हो तो अपने घर पे साइकिल पुरानी दादा की पड़ी है, पापा की पड़ी है, तो तुम जो है एक्सरसाइज करने के लिए घुमा के आ, थोड़ा सामान भी ले आ, जाके भी आ, कसरत हो गएगा। ये अच्छी बात है कि मेरे दोस्त जिम्स करते हैं, जिम में जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये करते हैं। वो बात हमने वो ही कही है, उसकी भाषा में कही है। वरिष्ठ नागरिकों को ये जो कहना चाहिए ये उसको विवेक रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका समय अलग था। आपके कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। हमने तो पूरी इंजीनियरिंग जोड़ बाकी गुणा भाग करके किया है। तो आज बच्चे कहेंगे दादाजी आप तो कहानियाँ कर, कहानियाँ ही हैं भाई तुम्हारे लिए कहानी। हम उनको कहते हैं 1 किलो 1 रुपया प्रति केजी घी खाया है, 1 रुपया प्रति केजी बादाम खाई है, तो बच्चा मानेगा क्या? 1000 रुपये किलो है घी, 500 रुपये किलो है, तो कहानी है ही उसके लिए। पर वास्तविकता है थी, हम उस पर थोपे क्यों? हम तो ये कहते हैं तू भी घी खा, तू भी बादाम खा, जितनी खा सकता है खा, तेरे को पापा अफोर्ड करते हैं, तू पढ़ने वाला है, करने वाला है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वरिष्ठ नागरिक के उत्तरदायित्व और अधिकार क्या है? अधिकार की बात मैं नहीं करता हूँ, अधिकार तो आपको जन्मजात मिले हुए हैं। आप अगर कल मरने की स्थिति तक भी आ जाओगे तब आपको जो वरिष्ठ नागरिक का, आपको सीनियर सिटीजन का, आपके पिताजी पिता का टाइटल, दादा का टाइटल, परदादा का टाइटल कोई छीन नहीं सकता। एक मैं आपको इसके जुड़ा हुआ जोक बताता हूँ कि मैंने जब जो है वो वाइस चांसलर की पद से रिटायरमेंट लिया तो एक सज्जन ने ये कहा कि अब आप पूर्व कुलपति बन गए हो। तो मेरा साथी जिसने मेरा चार्ज लिया उसने मेरे को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मैं कुलपति और आप पूर्व कुलपति, मैं तो कल कुलपति के पद से उतर जाऊंगा लेकिन तुम पूर्व कुलपति पद के पद से जीवन भर नहीं उतरोगे। तो हम ये कहना चाहता हूँ आपका जितना अनुभव है वो आपका खजाना है। मैं प्रवचन क्यों दे रहा हूँ? क्या मुझे पैसे कमाने हैं? क्या जो मुझे धन कमाना है? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए उपयोगी बनूं। मैंने कुछ गुरु से ज्ञान ग्रहण किया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। अगर आज मैं 77 ईयर का व्यक्ति घर में बैठा रहूँगा, कुछ एक्टिविटी नहीं करूँगा तो बीमार पड़ जाऊँगा।
मेरी उम्र 5 साल 10 साल कम हो जाएगी, लेकिन आज मैं स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड करके आप तक ये प्रवचन अच्छी अच्छी बातें भेजता हूँ, आपसे इस बहाने वार्तालाप करता हूँ, तो मैं उपयोगी हूँ या नहीं? बिल्कुल उपयोगी हूँ। देखिए मैंने आधे घंटे में आपको कितनी कितनी हजारों लाखों करोड़ों रुपयों के जो है वो कीमत की चीज़ दे दी। तो मैं देखिए वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ा ज्ञान नहीं देना चाहता, सभी ज्ञानी पुरुष हो, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप जीवन में कभी भी नकारा, कभी भी अनुपयोगी, कभी भी यूजलेस मत बनिए। और आपने रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिक होते ही अगर कर लिया ये चिंतन कर लिया, अब क्या करना है, बहुत कर लिया है, अब मौज करनी है, आराम करना है, आप बीमार हो जाओगे, आपकी उम्र जो है वह घट जाएगी। आप लास्ट मोमेंट तक अपने पांचों तरह के स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ जो है हमारी, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, पांचों को स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए परिवार और समाज के लिए उपयोगी बने, आपके अधिकार आपके पास है और रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सब भाई भाई बन करके और स्वर्ग को हम धरा पर उतार लावें, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।